You're listening to ChiniMandi.com podcast. NSI द्वारा विदेशी फर्मों के लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। आग से गन्ना फसल नष्ट। सीजन 2021-22 में लगभग 90 लाख टन चीनी निर्यात होने का अनुमान। ब्राजील ने कोरोना वायरस से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हटाया। गोदावरी बायो रिफाइनरीज द्वारा सही समय पर IPO लाने की योजना। कृषि विविधीकरण, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को गन्ना जैसी वैकल्पिक फसलों पर जोर देने को कहा। नेपाल, गन्ना भुगतान न होने पर किसानों ने मिल द्वारा की जा रही चीनी आपूर्ति को रोका। शेयर बाजार अपडेट, बाजार में गिरावट लेकिन चीनी शेयरों में आई तेजी। ये सारे न्यूज पढ़ने के लिए विजिट करें chinimandi.com और YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।